मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के सभी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी के विकास और कल्याण का एजेंडा जीत दिलाएगा। मंत्री सारंग ने अरुण यादव को लेकर दिए गए कांग्रेस के बयान पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस के राज में महिला उत्पीड़न की बात कही। सभी उपचुनाव, 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा का विकास का एजेंडा और जनता के कल्याण का एजेंडा को मध्य प्रदेश की जनता ने शिरोधार्य किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेता के DNA की बात करने लगे। ये बात आ क्यों रही है, DNA की बात कर क्यों रहे हैं? इस तरह की बातें करने का मतलब है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये तो उन्हें उद्वेलित करने की बात है, उन्हें चैलेंज देने की बात है। मुझे लगता है इतनी छोटी और गलत बातें नहीं होनी चाहिए। फैसला लिया दशहरा के दिन बेटियों को जूडो कराटे सिखाए जाएंगे। अच्छा रहेगा कि महिला कांग्रेस ये भी बताए कि सरला मिश्रा की हत्या के पीछे कौन था। अच्छा रहेगा कि महिला कांग्रेस नैना साहनी हत्याकांड पर भी कुछ बातें करे। अच्छा रहेगा कि महिला कांग्रेस 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी और उस समय किस तरह से महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ था, उस विषय में भी बात करें।